नमस्कार दोस्तों, दी अलग सनन में आपका स्वागत है। मैं धीरज कुमार आज आप सबको AOS के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। दोस्तों, AOS का पूरा नाम अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट है। दोस्तों, AOS का सफाई से कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक। AOS का मुख्य कार्य है झाग बनाना तथा जो भी झाग होता है उसे कुछ समय तक रोकना होता है। दोस्तों, डिटर्जेंट पाउडर या पेस्ट को पानी में घोलने पर जितनी अधिक झाग बनती है और जितनी अधिक समय तक झाग भरपूर मात्रा में बनी रहती है, उपभोक्ता उस पाउडर या पेस्ट को उतना ही बढ़िया समझते हैं। कपड़ा धोते समय यदि साबुन या डिटर्जेंट पाउडर में झाग उत्पन्न ना हो तो गृहिणियाँ उसे तुरंत घटिया घोषित कर देती है। परंतु अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो झाग का सफाई से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। ऐसा हो सकता है जो डिटर्जेंट ज़्यादा झाग बनाए उसकी सफाई क्षमता कम हो तथा जो डिटर्जेंट पाउडर कम झाग बनाए उसकी सफाई क्षमता ज़्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, AOS के बारे में और अधिक जानने से पहले हम इसके अल्टरनेटिव्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसके जगह पर किसी दूसरे मटेरियल रचक का उपयोग हो सकता है या नहीं, अगर हो सकता है तो कितनी मात्रा में हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इसके जगह पे आप रिठो के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग रिठो के बारे में सुने होंगे, आपको नज़दीकी पंसारी की दुकान या किराने की दुकान से भी मिल जाएगी। उसमें बीज होते हैं, उसके बीज को निकाल कर जो छिलका है आप उसे सुखा लीजिए और किसी भी ग्राइंडर में पीस के उसका पाउडर बना लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, रिठो के जो छिलकों का पाउडर होता है उसमें झाग बनाने की पर्याप्त क्षमता के साथ साथ सफाई की भी क्षमता होती है। अगर आप आयुर्वेदिक विधि से यानी बिना केमिकल का डिटर्जेंट बनाते हैं तो उसमें रिठो का पाउडर बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। हालांकि यह काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अगर आप 1 किलोग्राम डिटर्जेंट पाउडर में रिठो के छिलकों का पाउडर डालना चाहते हैं तो 25 से 30 ग्राम डाल सकते हैं। इससे यह भी फायदा होगा, झाग भी बनेगा और सफाई क्षमता भी बनेगी। और दोस्तों, अगर इसकी दूसरी अल्टरनेटिव्स का बात करें तो आप उसके जगह पर SLAS अर्थात SLS का भी उपयोग कर सकते हैं। आप जितनी मात्रा में AOS का यूज करते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो, आप उतनी ही मात्रा में SLAS का भी यूज कर सकते हैं। कुछ बेस्ट ही रहता है AOS से, कुछ बेस्ट ही रहता है SLS। इसमें जो दोनों का दाम है कोई खास पर्याप्त अंतर नहीं है। हालांकि कुछ अच्छी कंपनियाँ का SLS मिल जाती है, सस्ते दाम में भी मिल जाती है। दोस्तों, और अगर बात करें सबसे बेस्ट फोम बूस्टर यानी जो झाग बनाता है उसे हम फोम बूस्टर कहते हैं। AOS फोम बूस्टर है, SLS फोम बूस्टर है। इसी कड़ी में अगर सबसे बेस्ट फोम बूस्टर की बात करें तो है लॉरिक डाई इथेनोलामाइड। वैसे भी जो मैन्युफैक्चरर हाई क्लास डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं या जो कई सालों से बना रहे हैं, जिनके पास अनुभव है, वो लॉरिक डाई इथेनोलामाइड ही यूज करते हैं। इसमें अन्य दूसरा तो कोई गुण नहीं है, परंतु झाग बनाने की क्षमता इतनी अधिक है कि अगर आप इसे प्रति किलोग्राम डिटर्जेंट पाउडर में मात्र 5 ग्राम ही मिलाते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में झाग बनाएगा। अर्थात इसे मात्र 0.5% ही मिलाना पर्याप्त है। आप 1 क्विंटल डिटर्जेंट बना रहे हैं तो उसमें मात्र 0.5 किलो 500 ग्राम मिला रहे हैं तो भरपूर मात्रा में झाग बनाएगी। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या हम अपने डिटर्जेंट पाउडर में AOS मिलाए या नहीं, और अगर मिलाए तो कितना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप AOS मिलाना चाहते हैं तो आप इसे पाउडर फॉर्म में 1 से 2% मिला सकते हैं। 2% भी काफ़ी हुआ, 1% भी मिलाएंगे तो काम चल सकता है। फिर भी आपको ज़्यादा झाग बनानी हो 2% तक मिला सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी आप 4 से 5% मिला सकते हैं। परंतु मेरा राय है कि आप AOS न मिलाकर AC सल्ले की मात्रा बढ़ा दें। किसी भी फोम बूस्टर को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने डिटर्जेंट में कम से कम 13% AC सल्ले मिलाते हैं तो आपको AOS या अन्य कोई भी फोम बूस्टर मिलाने की आवश्यकता नहीं है।
तथा इसका एक और भी फायदा है, अगर आप अपने डिटर्जेंट में एसी सल्फेट मिलाते हैं तो झाग बनाने के साथ साथ सफाई क्षमता भी बढ़ जाती है। अतः अगर आप एओएस न मिलाकर उसके जगह पर 2-3% एसी सल्फेट की मात्रा ही बढ़ा देते हैं तो आपके डिटर्जेंट पाउडर की गुणवत्ता काफ़ी बढ़ जाएगी, झाग के साथ साथ सफाई क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, जितना हो सके हम आपकी सहयोग करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आइडियाज के साथ।